नोएडा के सेक्टर 78 के महागुण मॉडर्न सोसाइटी में रहने वाले लोगों और वहां काम करने वाले लोगों के बीच काफ़ी हंगामा हुआ। सोसाइटी के एक निवासी का आरोप है कि उनकी मेड ने उनके घर से 10,000 रुपये चुराए थे, जिसके बाद उसे काम से निकाल दिया गया था। जबकि मेड के रिश्तेदारों का आरोप है कि उसे मालिकों ने एक दिन तक बंद रखा, उसे मारा और उसे बेसुध पाया गया। देखिए ये रिपोर्ट। नोएडा के महागुण मॉडर्न सोसाइटी में बुधवार सुबह 5:30 बजे सैकड़ों मेड्स और उनके परिवार वालों ने सोसाइटी के गेट्स के बाहर पथराव किया। इस दौरान कई मेड्स को चोट आई और कई अस्पताल में भर्ती हैं। उनका कहना है कि गार्ड्स ने उन्हें पत्थर मारे और हाथापाई की। वहीं सोसाइटी के निवासी कह रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई हिंसा नहीं हुई, जो भी किया गया वो बचाव के लिए था। सोसाइटी वालों के हिसाब से यह घटनाक्रम महिला की चोरी से शुरू हुआ। She was working here, I don't know since how long, but कल उसके पहले भी उसको शायद चोरी करते पकड़ा गया। रेजिडेंट्स ने उनको बोला कि आप चोरी करते हो, आपका सीसीटीवी फुटेज में आया है कि आप चोरी करते हो। शी एक्सेप्टेड, वो लेडी यहाँ पे मोबाइल देने आई उनका अपना सोसाइटी फैसिलिटी ऑफिस में। शी सेड की फैसिलिटी में मत दो, मेरी नौकरी चली जाएगी एंड ऑल दो स्टफ्स मेरी सैलरी से काट लो। बट इन द मीन टाइम व्हेन शी केम, दिस लेडी केम द ओनर टू गिव अ मोबाइल फोन, शी एस्केप्ड। पर यहाँ के घरेलू कर्मचारियों की शिकायत अलग है। इनको क्या हुआ है अभी? इसने सुबह 7 बजे काम पे गई, उसका बाद उसको रात 11:30 बजे तक पता नहीं था। उसका बाद उन्होंने पुलिस वाला हमें जाने नहीं दिए, ना मेरे भाई को दिए ना मुझे जाने दिए। घटना की जगह से पुलिस जोहरा को अस्पताल ले गई, लेकिन उसके किसी भी रिश्तेदार को साथ नहीं लिया। अब वो अपने घर में है और उसकी हालत ठीक नहीं दिखाई देती। हम लोग हॉस्पिटल गया, कहे तुम्हारा पेशेंट निकाल दिया। हम लोग बाहर के थाना में गया, थाना में आके देखे उसमें भी है नहीं, आके देखे घर पे। जोला बोला तुम लोग लटंगी करती, उनका रिपोर्ट तो अच्छी तरफ से आया, कोई गलती भी नहीं है। जोहरा ने अपने मालिकों के खिलाफ FIR सुबह दर्ज करवा दी थी और मालिकों ने जोहरा के खिलाफ 5:00 बजे के करीब FIR दर्ज करवाई। इसको इतनी बेइज्जती से और इतनी बेदर्दी से मारा गया, उसकी फैसला चाहिए। साधिका तिवारी, गो न्यूज।